दोस्तों, अगर आपने भी घर में क्लोज स्टैंड ले रखा है या लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको इंस्टॉल करके सेटअप किया जाता है, तो आपको वीडियो दोस्तों पूरा हेल्प करने वाला है। आज की वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किसी भी क्लोज स्टैंड को कैसे सेटअप किया जाता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहे। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में अमेजोन ने मुझे डिलीवर किया है। इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं सारे पार्ट्स प्रॉपर डिलीवर हुए हैं या नहीं। तो बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके के सारे इसके पार्ट्स रखे हुए हैं, और आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से एक यूज़र मैनुअल दे रखी है जिसे पता रखा है कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। और एक आपको ये दे रखा है कि अगर आप इनको रिव्यू करते हैं अमेजोन में जाके तो आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कभी मत करें अनटिल अनलेस आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप हमेशा ट्रू फीडबैक दें, 50 रुपये के कैशबैक के चक्कर पर ना जाएँ। अब इन सबको बाहर निकालते हैं और उनको जोड़ना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वेरीफाई कर लें कि जितने इसमें पार्ट्स बताए गए हैं, जो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उतने पार्ट्स है या नहीं। अगर कोई भी पार्ट कम है तो इंस्टॉलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस केस में आप इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करा लें या रिटर्न कर दें। तो मैंने अपने एंड पे चेक कर लिया, सारे उतने ही पीसेज हैं। चलिए इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन इस वीडियो के बिना हेल्प के, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे स्टेप्स बता रखे हैं। बट अगर आपको कन्फ्यूजन होने वाला है कि कैसे इसको सेटअप करना है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसका बेस बनाना होता है स्टैंड का। तो स्टैंड का बेस बनाने के लिए आपको इसके सबसे नीचे वाले पार्ट जो है जिसमें कैस्टर व्हील्स लगे हुए हैं उसको लेना होता है। और जो आपको यहाँ पे इस तरीके की रॉड मिलती है, रॉड ए और सी, रॉड बी वाले जो पीसेस है, तो उसको आपको इसमें से रॉड ए के 2 पीस निकालने होते हैं। तो जल्दी से इसके मैं 2 पीस निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ कनेक्ट करना है। रॉड ए के 2 पीस निकाल लिए, इनको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। आपको कोई स्क्रू नहीं लगाना, सेम आपको इस साइड से भी वैसे ही टाइट करना है। तो इसमें कोई स्क्रू नहीं लगाता, आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी और इस रॉड को इसके अंदर डालना पड़ेगा। वैसे सेम इस वाले को भी लगा देते हैं, तो आप कनेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे आपका बेस इस तरीके से तैयार हो जाएगा। इसको प्रॉपर टाइट कर ले क्योंकि इसी के ऊपर आपका सारा जो क्लोज स्टैंड है वो लगने वाला है। तो बेस तैयार हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको रॉड सी को यूज करते हुए इसकी जो मिडिल फ्रेम्स है उनको जोड़ना होता है। तो ये टॉप की आपकी फ्रेम्स आ जाएंगे जिसमें लगेंगे, और ये मिड और लो बॉटम वाली आ जाएंगी। तो लो वाली 2 आ जाएंगी, ये आपकी सेंटर वाली आ जाएगी और ये टॉप वाली आएगी। तो इनको दो दो रोड को मैं आपको एक कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे जोड़ना होता है। तो इनको अभी इसलिए साइड करता हूँ, एक मैं आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ, वैसे ही आपको फिर बाकी भी सारी जोड़नी है। तो जुड़ने के बाद अगर आप देखेंगे आपकी टॉप फ्रेम, मिड फ्रेम और लो फ्रेम जो है उस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या होता है, आपको इसका बेस लेना है और जो आपकी 3 फ्रेम्स थी, लो, मीडियम और टॉप वाली, उस फ्रेम्स में रॉड जो यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी बी वाली, उनसे कनेक्ट करना होता है। तो कैसे करना है आपको भी जल्दी से दिखा देता हूँ स्टेप। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका लो फ्रेम वाला कनेक्ट हो गया है। सेम तरीके से इसका मैं मीडियम वाला और जो टॉप वाला फ्रेम है उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ रॉड बी की हेल्प से। मिडिल फ्रेम भी मैंने लगा दिया, उसका देखा आप हर बार हर जगह पुश कर ले अपने हैंड से ताकि ये फ्रेम टाइट रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉलेशन तो किया है बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने हर स्टेप में इसको टाइट नहीं किया। और जब इन्होंने पूरा स्टैंड लगाया और उसमें अपने कपड़ों को हैंग किया या इसमें यूज़ करने के लिए इसको लगाया, तो उसी समय ये स्टैंड जो था खुल के गिर गया। तो इसलिए आपको बस ये सजेस्ट करूँगा जब आप इसको सेटअप कर रहे हैं तो हर जगह मेक श्योर रखें कि प्रॉपर इसमें जो रॉड्स हैं वो प्रॉपर लगी हों। अगर रॉड प्रॉपर कनेक्टेड नहीं होंगे और आप इसको यूज़ में लगाएंगे तो स्टैंड खुल के गिर जाएगा। तो जल्दी से इसकी जो टॉप वाली फ्रेम थी वो भी मैं लगा देता हूँ। टॉप फ्रेम लगा लेने के बाद पूरा चेक कर लें कि फ्रेम कहीं से खुल ना रही हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसके बाद जब आप इसमें इसके विंग्स लगाने वाले हैं दोनों साइडों में, इस तरीके से टोटल 6 जो इसके विंग्स लगने वाले हैं, उसका इसका वजन बढ़ जाएगा। और अगर प्रॉपर नहीं लगा होगा तो आपका जो एक क्लोज स्टैंड है वो अगेन गिर जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगाते समय तो आपको लगता है प्रॉपर टाइट है, मगर जैसे ही आप गीले कपड़े डालते हैं उसके वजन के कारण खुल जाता है और आपके कपड़े भी गंदे होंगे और आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा फिर से इसको इंस्टॉल करने का। तो हर एक विंग को लगाने के लिए आपको इस तरीके से नट बोल्ट का सेट लेना है जो आपको इसी पैकेट में मिल जाता है, जो कि आपको उसको ऐसा किट मिलती है, और इसके विंग को लेना है जैसे आपको मैं दिखाऊँ। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे होल्स दे रखे हैं, तो इनमें इसको लगाना होता है इस तरीके से। आप देखें, अभी के लिए आपको मैं हल्का सा रख के दिखा देता हूँ। और दूसरी साइड से आप इसको टाइट कर दीजिए।
तो इनको मैं जल्दी से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट कर देता हूँ, और सेम वे में जो उसके रिमेनिंग विंग्स है उनको भी मैं लगा देता हूँ। सारे के सारे मैंने विंग्स जो थे इसके छः के छः लगा दिए हैं अगर आप देखें, और आपको जो इसके साथ स्क्रू मिलते हैं आपको उनको लगाना होता है। अगर आपको मैं पास ला के दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से इसके स्क्रूज़ को आपको लगाना होता है जो मैंने इसके यहाँ पे लगा दिए। अगर आपको हेल्प चाहिए स्क्रू ड्राइवर की या प्लास की या जिस भी चीज़ की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हाथ से भी टाइट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। इसमें लास्ट स्टेप ये रह जाता है, जो इसके साथ आपको क्लोथ हैंगर मिलते हैं इस तरीके वाले, टोटल चार आपको हैंगर्स मिलते हैं। वो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, कि आप उसमें शर्ट हैंग करना चाहते हैं, क्या चीज़ हैंग करना चाहते हैं, वो आप उतने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे लगाना है वो आपको भी मैं एक बार लगा के वो भी दिखा देता हूँ। जो ये क्लोथ हैंगर्स वाले हैं जिसमें आप अपनी शर्ट्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, इसको लगाने की एक ट्रिक है जो आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लगाना है। तो अगर आप इसकी वाली शेप देखें तो इसकी शेप ये जो आपको ट्राइंगुलर शेप दिख रही है, तो इसका जो टॉप वाला एरिया ये वाला, ये हमेशा टॉप पर रहेगा, और ये जो कर्व वाला आपको दिखाई दे रहा है वो हमेशा नीचे रहेगा। और इसको लगाना कैसे होता है, आपको इस एंगल में इसमें टेढ़ करके डालिए जैसे भी आप देख पा रहे हैं, और इसको हल्का सा पुश करिए। जैसे आप इसको पुश करेंगे थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी और ये इस तरीके से अटक जाएगा। आपको लग सकता है कि ये टूट जाएगा मगर ऐसा नहीं है, जब आप इसको हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो अपने आप लॉक होकर अटक जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लग गया। वैसे आपको मैं ये जो चार मिलते हैं इसी हाइट पे लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था येला एरिया जो है, ये जो आप साइड देख पा रहे हैं टॉप पे रहेगी, आप इसको ऐसे टेढ़े एंगल पे फंसाइए इस तरीके से, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से लग गया। अब आपको जैसे भी इसकी हाइट एडजस्ट करनी है अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वैसे मैं दो और भी लगा देता हूँ, जैसे आपको मैंने बताया इस तरीके से लगाइए, और इसको करेंगे तो ये भी लग जाएगा। और लास्ट बचा उस साइड का, वो भी लगा देते हैं। तो ये भी लग गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैंने चारों के चारों इसके जो हैंगर्स वाले थे वो लगा दिया है। तो क्लोथ हैंगर का मैंने पूरा इंस्टॉलेशन कर दिया, आपको एक बार लुक भी दिखा देता हूँ किस तरीके के लुक में आया ये ला फाइनली। और आप देखेंगे आपको कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं क्लोथ हैंग करने के। इसका जो रिव्यू है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इस वीडियो में बस इसका इंस्टॉलेशन कवर किया है, कैसी क्वालिटी है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए, कितना मजबूत है, कितने तरीके के कपड़े आप इसमें हैंग कर सकते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।